प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतम न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सर्वाधिक तापमान चूरू जिले का 50.5 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया। पिलानी का अधिकतम तापमान 49 डिग्री देखा गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में हीट वेव और लू की चेतावनी है। रेड ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कहाँ कहाँ पर क्या अलर्ट वो भी आपको बताते हैं। देखिए, झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर जिले के लिए रेड अलर्ट है। जून महीने के पहले हफ्ते से राहत के संकेत, तापमान में आज भी बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। तो क्या टेम्परेचर आज का है वो भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्या स्थिति है कहाँ की। कल भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई। हमने देखा था फलोदी में 50 के पार पारा गया। कल चूरू में हमने देखा 50 के पार का टेम्परेचर। स्थिति दिन पर दिन खराब होती। पिलानी, सीकर, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो आंकड़े डरा देने वाले हैं। तापमान 50-51 डिग्री के आसपास। दहक रही है दिल्ली। दिल्ली में गर्मी ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और करीब 2 करोड़ आबादी ने दिल्ली एनसीआर में अब से पहले ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला में मंगलवार को अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है। गर्मी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर किसी ने पानी बर्बाद किया तो चालान काटा जाएगा। लेकिन मई की जानलेवा गर्मी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के चुरू में तापमान 50.5 डिग्री और हरियाणा के सिरसा में 50.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आग बरसाने वाली गर्मी सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लू का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के 7 जिलों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने आर्टिफिशियल रेन से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आपके लिए फिलहाल राहत वाली कोई खबर नहीं है, इसीलिए सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।